नमस्कार दोस्तों, हिंदी छः स्पेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इसमें हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे दोस्तों, और हम जा रहे हैं स्पेन का ट्रैवल करने के लिए। यहाँ से जाएंगे फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से जाएंगे बार्सिलोना, तो कल शाम तक जो है हम पहुँच जाएंगे। मतलब अभी से करीब करीब जो है समझ लीजिए कि 12-13 घंटे जो है टोटल लगने वाले हैं यहाँ से। और जाने के पहले बहुत कुछ करना पड़ा, RT-PCR टेस्ट, उसमें बड़ा टेंशन था। खैर फाइनली सब ठीक हुआ, नेगेटिव आया रिपोर्ट और सब कुछ हो चुका है। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अब आगे की जर्नी जो है मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूँगा। यहाँ पर मेरे साथ है एनजी और श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अपना पहला इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो करने जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो भारत की विविधता जो है वो यहाँ पर है। गणेश जी यहाँ पर मिल गए हम लोग को, तो यह है शॉप का नाम। तो जय गणेशा जी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैं इस समय हूँ मुंबई एयरपोर्ट के फूड कोर्ट पर मैकडोनल्ड्स में, और यहाँ पर है मेरे सामने तुषार। आप हिंदी चेस बेस कब से देखते हो? पूरा लॉकडाउन मैंने हिंदी चेस बेस 6 महीना हो गया। ओके, मैं हिंदी चेस बेस ही देख रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, गुड लक तुषार। और अभी अपना जॉब करो, नहीं तो हमारी वजह से आपका जॉब नहीं जाना चाहिए। गुड लक सर। समय सर बिग फैन, सागर सर बिग फैन। तो आप देख सकते हो कि मुंबई एयरपोर्ट जो बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करता था, उतना बिजी नहीं है अभी। अभी गिनी चुनी ही फ्लाइट है जो है वो, इनको ही परमिशन है। तो वरना एयरपोर्ट बिल्कुल पूरा खचा खच भरा होता था प्लेन से। देखिए कितनी सारी बसेस भी खड़ी हुई हैं। तो पूरी तरह से जो है इंटरनेशनल ट्रैवल ऑन नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी जो है वक्त है। तो देखते हैं, मैं लगातार इस जर्नी में जो है आपके साथ बना रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कहाँ कहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। हम लोग फ्रैंकफर्ट जो है पहुँच गए दोस्तों, और यहाँ से बार्सिलोना के लिए जो है फ्लाइट है। बार्सिलोना पहुंच गए हैं और बस से हम लोग जो है वो सिटजल जा रहे हैं। तो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। श्रेष्ठ भी जो है वो बहुत ही खुश है और मज़े कर रहा है बहुत ही। और आपको बता दें कि अभी हमें सिटजल जाना है, सिटजल से एक और बस लेना है मोस्टली टू टूर्नामेंट हॉल के लिए, और फिर वहाँ से शायद टैक्सी लेना पड़े जहाँ उन्होंने हमें रुकाया होगा वहाँ जाने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये है हमारा खूबसूरत शहर, हमें बहुत ही पसंद है बार्सिलोना। नमस्कार दोस्तों, हम सिटजल पहुँच गए, और सिटजल में आपको हम अपार्टमेंट भी अभी पहुँचे हैं। लॉरिना नाम है इसका। तो सबसे पहले तो ये आपको दिखाते हैं बाहर का क्या है माहौल, और ये है पूरा सिटजल में हमें जो अपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजर्स ने दिया है। तो ये देखते हैं कैसा क्या है ये अपार्टमेंट, कैसे नॉर्मल कुछ रखने का। ये है बेडरूम, है एक बेडरूम है इसमें, और ये है बेडरूम, बड़ा स्पेशियस है। और यहाँ पर पूरे में मेरे ख्याल से जो है पूरा अलमेरा का सेक्शन है इधर। अब भी लगेज रखा ही, अभी हमने खोला भी नहीं लगेज। और यहाँ पर ये जो है ये वॉशरूम है, और ये मेरे ख्याल से नहाने का एरिया है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो अपार्टमेंट। ये किचन है, यहाँ पे हम लोग खाना वाना जो है वो बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक ये गेस्ट स्टोव रहता है। और ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर बैठ के शायद मैं आपके लिए रिपोर्ट्स बनाऊँगा। TV भी है, तो ये एक बहुत बड़ा सोफ़ा है यहाँ पर, और सबसे खूबसूरत मंजर है इधर। और एनजी यहाँ पे ऑलरेडी है,
एनजी और श्रेष्ठ यहाँ पर है कुस्तास। ये बेहतरीन यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है जिसको ठंड में तो कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला है। आर यू गोइंग टू स्विम इन कोल्ड? व्हाई नो? ओके लेट्स सी। तो दोस्तों ये अपार्टमेंट है, बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे हम काम करने वाले हैं और श्रेष्ठ बहुत खुश नजर आ रहा है अभी जैसे ही स्पेन पहुँचा है और सिटजस्ट तो उसको सब कुछ कलरफुल और बड़ा इंजॉयमेंट लग रहा है। कैसे हो श्रेष्ठ? ओके ही इज इंटरेस्टेड। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे हमें अपार्टमेंट जो है दिया गया है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बढ़िया एक कवरेज जो है वो मैं जो है दोस्तों भेजने वाला हूँ। बहुत ही लंबी जर्नी हो गई है भोपाल से मुंबई, मुंबई से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से बार्सिलोना और बहुत सारे कोविड के नियम ये वो करते करते फाइनली जो है हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा ये रह गया बताना शायद तक, ये भी यहाँ पर है, माइक्रोवेव है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये फ्रिज है। यस तो फ्रिज भी है, तो सब कुछ जो है यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ताकि आप अच्छे से जो है वो समय है वो बिता सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, पहला राउंड शुरू होने को है तो वहाँ पहुँचना भी है वापस जा करके मुझे अभी, तो जल्द से जल्द जो है आपको रिपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।